नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें पता चला था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल जो थे जम्मू कश्मीर में अपना भाषण दे रहे थे। दो रैली थी कल जम्मू कश्मीर में खड़गे जी की। एक रैली जब वो पहली रैली अपनी दे रहे थे तो रैली का जब अंतिम पार्ट वो बोल रहे थे, लगभग 10-15 मिनट की और रैली बची हुई थी, उनकी स्पीच बच रही थी, तो जब वो अपना अंतिम भाषण दे रहे थे ना तो उनको अचानक से चक्कर आ जाते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है जमीन पर बैठ जाते हैं। हालांकि वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और कांग्रेस के नेता सब आकर उनको पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपना 2 मिनट का और भाषण देते होंगे खड़गे जी। उसके बाद उनको ले जाया जाता है वहां से और डॉक्टरों के पास ले जा लिया जाता है। मतलब पूरी टीम होती है डॉक्टरों की इनके साथ में, तो वो खड़गे जी का चेकअप वगैरह करते हैं और दूसरी रैली जो होती है कैंसिल कर देते हैं। तो उस रैली में जो वो पहली भाषण दे रहे थे अपना खड़गे जी, उस भाषण में खड़गे जी ने मोदी पर कटाक्ष करा। खड़गे ने कहा कि मैं 83 साल का हो चुका हूँ, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। आगे खड़गे जी कहते हैं, जब तक का मोदी को सत्ता से नहीं हटा देंगे तब तक का मैं जिंदा रहूँगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहते हैं कि जब तक का मोदी जी को हम सत्ता से नहीं हटाएंगे ना तब तक का मैं जिंदा रहूँगा। इस प्रकार का भाषण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देते हैं। अब जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस प्रकार का भाषण देते हैं फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हालांकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द खड़गे जी ठीक हो जाए, उनकी तबीयत सही हो जाए। तो लेकिन जब खड़गे जी ने ऐसा बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी के लिए, लेकिन कल फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसा तो बयान दिया खड़गे जी ने, लेकिन रात के समय प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे जी पर कॉल करी और पूछा उनकी तबीयत अब कैसी है, क्या वो सही हैं, स्वस्थ हैं, उनके हालचाल पूछे। दिन में खड़गे जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भाषण दिया और शाम के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे जी पर कॉल करके उनकी तबीयत पूछी कि आप सही हैं ना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे जी से बात करी। इस तरह की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। हालांकि देखिए, राजनीति में एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे का मतलब कहने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे में कमी निकालने की कोशिश करते हैं भली, पर लेकिन दूसरी तरफ एक आपसी सद्भावना, एक प्रेम अलग ही प्रतीत में दिखाई देता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कॉल मिलाई, उनसे उनके हालचाल पूछे, ये राजनीति से अलग आपसी प्रेम दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं भले ही राजनीति में जो हैं इनका कटाक्ष करते हों और ये प्रधानमंत्री मोदी का कटाक्ष करते हों वो अलग बात होती है, पर लेकिन इससे भी अलग एक दुनिया होती है आपसी प्रेम और सद्भाव की, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने शाम खड़गे जी पर कॉल मिलाई और उनसे हालचाल पूछे। हालांकि जब ये बात लोगों को पता चली कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल मिलाई और उनसे उनके हालचाल पूछे, तो लोगों ने भी काफ़ी अच्छी बात लिखी। मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी अच्छा करा खड़गे जी से, उनसे बातचीत करी, उनसे उनके हालचाल पूछे। ये राजनीति से अलग एक दृश्य हमें देखने को मिला है और इस तरह का प्रेम सभी नेताओं में हो तो कितनी अच्छी ही बात होगी हमारे सामने। तो प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर कॉल मिलाते हैं, उनसे उनके हालचाल पूछते हैं, जबकि खड़गे जी ने कुछ समय पहले ही जब उनको चक्कर आ रहे थे उस समय इस प्रकार का भाषण दिया था कि जब तक का प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक का मैं जिंदा रहूँगा। हालांकि हम फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि खड़गे जी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का खड़गे जी पर कॉल मिलाना, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।